यहाँ से जगन्नाथपुरी ऑलमोस्ट 1300 किलोमीटर लगभग हम 9-10 बजे तक का विशाखापट्टनम पहुंच सकते, इसलिए हमारा प्लानिंग फर्स्ट। चलो भाई, बैग तो पैक हो गया अभी, ये तो कार में अंदर रखेंगे, और टू व्हीलर को 2 लीटर और कार वालों के लिए 5 लीटर का प्लानिंग कर। इतना बड़ा लाइन, हाँ? बहुत बड़ा लाइन। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजुनाथ जोमी वाले। फाइनली जगन्नाथपुरी ओडिशा रोड ट्रिप के लिए तैयार हो गए हम। कल सुबह 6 बजे हम सोलापुर छोड़ रहे, ऑलमोस्ट 6 बजे तक सब लोग निकलने का भी प्लानिंग कर रहे हैं। हम फर्स्ट नाइट स्टे कहाँ होना वो भी अभी फाइनल नहीं हुआ, उसके बारे में थोड़ा प्लानिंग करना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कितना किलोमीटर जगन्नाथ टेम्पल पुरी में, पुरी का होने वाला है ओडिशा, और फर्स्ट स्टे के लिए कितना किलोमीटर हम चला सकते हैं गाड़ी। ऑलमोस्ट सब लोग ड्राइविंग तो सब लोग करने वाले हैं, इसलिए तो ड्राइविंग का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यहाँ से जगन्नाथपुरी ऑलमोस्ट 1300 किलोमीटर, लगभग 1300 किलोमीटर का गूगल मैप दिखा रहा है, और 900 किलोमीटर के नज़दीक विशाखपट्टन दिख रहा है, और विशाखपट्टन का किलोमीटर जो गूगल पे टाइमिंग दिखा रहा है वो 12 से 14 घंटा। तो फिर हमारा प्लान ऐसा चल रहा है अभी, यहाँ से 6-7 बजे अगर भी सोलापुर छोड़े तो फिर भी हम 9-10 बजे तक तो थोड़ा टाइम पास करते हुए भी गए तब भी हम 9-10 बजे तक का विशाखपट्टन पहुँच सकते, इसलिए हमारा प्लानिंग फर्स्ट हाल्ट जो लेने का है नाइट स्टे वो विशाखपट्टन लेने का सोच रहे। ट्रैफिक जो कैसा है उसके ऊपर डिपेंड होगा, अगर ट्रैफिक थोड़ा भी स्ट्राइक वगैरह चल रहा है, ट्रैफिक कम होने का चांसेस तो है, फिर भी देखेंगे क्या क्या होता। पहले अभी बैग पैकिंग वगैरह कर लेता हूँ, जो ड्रेसेस लगने वाला है और पैंट और टी शर्ट सब अभी तैयारी कर लेता हूँ। चलो बैग पैकिंग शुरू हो गया मेरा, अभी एक पैंट शर्ट भी ले लिया, एक 5 टी शर्ट्स और एक 3 जीन्स और एक शॉर्ट्स। ओके, इतना तो सफिशिएंट हो जाएगा ऐसा लगता है, देखेंगे अभी 5-6 दिन का ट्रिप है बोले तो इतना तो लगने वाला है। और मेरे उधर ठंड भी बहुत बोल रहे इसलिए एक जैकेट भी लिया। चलो भाई, बैग तो पैक हो गया अभी, ले लिया नाइट का टी शर्ट भी ले लिया, इनर वेयर्स ले लिया, टॉवेल, और सुबह जाते वक्त और ब्रश और पेस्ट लेना है वो एक ले गए, ले तो हो गया, बस ऑलमोस्ट तैयारी तो हो गया मेरा अभी। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है बैग पैकिंग तो हो गया मेरा, सब ड्रेसेस वगैरह रख लिया, प्रिकॉशन के हिसाब से कुछ मेडिसिन लेके आना है, तो फिर अभी मैं मेडिसिन लेने जा रहा हूँ। कुछ मेडिसिन वगैरह एमरजेंसी में क्या क्या लग सकता है वो हिसाब से कुछ मेडिसिन लेके आता हूँ। लेकिन ये एक दिक्कत की प्रॉब्लम हो गया, जैसे हम ट्रिप प्लान वगैरह फाइनल हो गया लेकिन ट्रक स्ट्राइक जो चल रहा है वो नया कानून जो बना है उसके अगेंस्ट वो तो बढ़ता ही जा रहा है, उसका ही एक दिक्कत लग रहा है मुझे, ये तो एक्चुअली नहीं होना चाहिए था। सुबह स्कूटर लेके पेट्रोल पंप को गया था, उधर देखे तो पूरा लंबी लाइन लगी है गाड़ियों का, हिट एंड रन केस का अगेंस्ट जो ट्रक वाले स्ट्राइक निकाले उसका इफेक्ट अभी से दिखने शुरू हो गया, पेट्रोल पंप में तो दिखना शुरू हो गया, लंबी लाइन लग रहा है। अभी हमको ट्रैवल में डीजल का कितना दिक्कत आएगा अभी वो तो पता नहीं है, अभी देखेंगे, जहाँ जहाँ मिलता है वहाँ भर के ही जाएंगे। अभी अभी न्यूज़ में दिखा है, चंडीगढ़ का न्यूज़ है अभी न्यूज़ में, 2 व्हीलर को 2 लीटर और कार वालों के लिए 5 लीटर का प्लानिंग कर रहे हो ना, अगर यही रूल सब तरफ अप्लाई हो गए तो हमारा ट्रिप बहुत मुश्किल में जाने वाला है। 5 लीटर डीजल में हम कैसे ये जा। साक्षी, पेट्रोल पंप के गई थी पेट्रोल डालने के लिए, इतना बड़ा लाइन, बहुत बड़ा लाइन था। कितना लंबा है लाइन, एक आधा किलोमीटर है? नहीं, उतना भी नहीं, थोड़ा
एक 10 लोग आगे थे। हाँ, लेकिन इधर बहुत लंबा जाम, जब पूरा फुल जाम है पेट्रोल पंप में। मुझे उल्टा उल्टा पड़ता था पेट्रोल पंप आईएमएस के सामने। हाँ, फिर भी मैं उधर जाके भरी क्योंकि उधर कम रश है। ऐसा ना। अभी वो मैं भरती गैस नहीं आया ना अभी दो दिन से। अभी लग रहा है मेरे ख्याल से जो ट्रक का स्ट्राइक चल रहा है ना उसका भी सप्लाई क्या तो प्रॉब्लम हो गया। सिलेंडर नहीं आया। वही सोच रहा हूँ मैं भी, सुबह बुकिंग करे तो शाम तक आना चाहिए था। रिसिप्ट आया मुझे। रिसिप्ट आया क्या? मोबाइल में आया ना। हाँ, रिसिप्ट आया तो फिर आएगा मेरे ख्याल से, वो भी थोड़ा आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। देखो अभी बराबर का मुझे क्या मीनिंग, क्या हिट एंड रन पनिशमेंट बोला तो क्या? नहीं, एक्चुअली कैसा था मालूम है, ये लॉ पहले भी था। अभी हिट एंड रन केस बोले तो अभी क्या एक्सीडेंट करते मर जाता कोई तो वो लोग क्या बिना ठहरे ऐसे ही निकल जाते थे। वो पहले के लॉ में क्या था, 2 साल का पनिशमेंट था। अभी पहले का 2 साल का पनिशमेंट था और 50,000 का फाइन था। अभी वो बदल के 7 साल का जेल करे और 7 साल का अमाउंट पनिशमेंट है और 10 साल तक जेल करे। हाँ, इसलिए अभी थोड़ा वो मुश्किल हो जाएंगे ना उन लोगों को, इसलिए वो प्रॉब्लम हो रहा है। कौन कौन से भी ट्रक के बोले तो कौन से भी कोई भी सब आइटम बंद हो जाएगा ना? नहीं नहीं, सभी सभी को प्रॉब्लम होने वाला है, लेकिन ज्यादातर ज्यादा रोड में एक्सीडेंट का जो चांसेस रहता है ना वो ट्रक ड्राइवरों को ज्यादा, ट्रक और बसेस यही ड्राइवर में ज्यादा रहता है, प्राइवेट गाड़ी में उतना ज्यादा नहीं रहता, इसलिए उन लोगों को तकलीफ होता है। फिर बस भी बंद हो जाएगा। हाँ, फिर ड्राइवर्स बोले तो वही अभी क्या तो निकलेंगे, अभी इमरजेंसी मीटिंग बुलाए ना अभी अमित शाह। हाँ, अभी क्या तो अभी बंद हो गया है। बंद बोले तो ट्रक ही नहीं चल रहे ना, पूरा स्ट्राइक से वो ट्रक वगैरह बंद करके रख दिए। अभी वेजिटेबल्स भी महंगा हो रहा है अभी सब, लेकिन पहला असर पेट्रोल बंक में दिख रहा है अभी शॉर्टेज का। ऐसे ऐसे बढ़ते मौजूद। हाँ, हो सकते है। देखो दो दिन से कोई नहीं आया। हाँ, मुश्किल है ऐसा रहे तो। साक्षी, ट्रिप कैसा होना मेरा? मुझे पता चला कि पेट्रोल का क्या तो प्रॉब्लम हुआ है। फिर आरती बोलने के बाद आने के बाद मैं जो पेट्रोल भरी थी, मुझे तब भी याद आया कि अभी तो टूर को जा रहे हैं तो पेट्रोल का केस था। मैं उनके साथ बात हो गया, आते वक्त उन्होंने भर के आ रहे पूरा उधर ही करने। नहीं, पेट्रोल बंक पेट्रोल चालू रहता है। हाँ, लेकिन कैसा रहता है, भीड़ बहुत रहेगा। हाँ, इसलिए हर कोई बंक में पेट्रोल नहीं मिलेगा, शॉर्टेज होगा। और टंकी तुमको कितना किलोमीटर जाएगा? 600 किलोमीटर तक जाएगा। और फिर आगे कैसा करेंगे? नहीं, बीच में भरते जाएंगे ना हम। बहुत हर एक बंक बंद नहीं रहेगा, लेकिन कैसा रहता मालूम है, भीड़ ज्यादा रहेगा। पहले कैसे जल्दी गए डलवाए और निकल गए, ऐसा नहीं चलेगा। कितना दिन चलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी कोई तो अभी सोल्यूशन निकालते। क्यों बोले तो कैसा है मालूम है, ट्रांसपोर्ट के बगैर पूरा पूरा के पूरा कंट्री ऐसा स्लिप मोड में जाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं चलता बराबर ना। तो आराम से जाते, क्या प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड गुड थिंग। अभी ट्रिप से पहले ही थोड़ा ये दिक्कतें आने शुरू हो गए। चलो तो फिर ब्लॉग यही एंड करता हूँ, आज का ब्लॉग यही एंड करता हूँ। तो फिर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गुड नाइट।